मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन पर आधारित A to Z पुस्तक का विमोचन किया। तत्पश्चात उन्होंने पर्यटन उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, छात्र व छात्राओं को किट प्रदान किया। वहीं विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र व छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। सरकार पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग को निर्देशित कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन हम सबके जीवन में एक नया परिवर्तन करता है और जीवन को जीने की नई विधा हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। प्रदेश में इस बार 30 करोड़ लोगों ने प्रदेश के पर्यटक स्थलों का विजिट किया है। इससे वहां के धर्मशाला होटल का भी व्यापार बढ़ा है। उन्होंने कहा, कहीं भोजन किया होगा और फोटो भी खींचा होगा और धार्मिक स्थलों पर फूल चढ़ाया होगा। इससे लाखों लोगों की आजीविका चलती है। काशी विश्वनाथ धाम में सावन के महीने में 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। इससे पहले वहां पर लोग नहीं आते थे क्योंकि उनके लिए सुविधाओं को बढ़ाया गया। अब पूरी दुनिया काशी का दर्शन कर रही है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। पहले असुविधा थी लेकिन अब सभी सुविधा दी जा रही है। अब पूरी दुनिया दर्शन करने के लिए टूट ही पड़ गई है। पहले मथुरा वृंदावन में लोग जाते थे तो परेशानी होती थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि अब सुविधाएं बढ़ी हैं। श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकते हैं। विंध्यवासिनी धाम में आसानी से दर्शन हो रहा है। पहले रामगढ़ ताल अपराध का अड्डा बना करता था, लेकिन अब बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और नौकायन भी करते हैं, जो कि प्राकृतिक झील है। इससे नाविकों का आजीविका चलती है। इसके अलावा पटरी व्यवसायियों की आजीविका चल रही है। रामगढ़ ताल पर कोई टैक्सी या कोई अपने साधन से घूमने आता है। हम लोगों को ये भी ध्यान देना होगा कि पर्यटक स्थलों की सफाई बनी रहे, कोई वहाँ पर गुटखा खाकर ना थूके क्योंकि इससे गोरखपुर की छवि खराब होती है। रामगढ़ ताल में सी प्लेन चलाने की आवश्यकता है जिससे पर्यटक यहीं से उड़कर कहीं और चले जाएं और फिर दोबारा यहाँ आ जाएं। गोरखपुर से अब 14 फ्लाइट चल रही है। हजारों यात्री पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं व पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, MLC धर्मेंद्र सिंह, विपिन सिंह, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। He's an architecture also, अभी उनके साथ education था, इन्होंने पढ़ाई की बाकायदा। क्या आप एकदम शक्तिशाली हो जाओगे? आपको कुछ उद्बोधन के लिए गोरख फाइंडिंग महत्वपूर्ण इतिहास तथा मार्गदर्शिका कार्य के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को बरतालिया इनके लिए कविता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। श्री दुर्गेश यादव ने राजकीय जुबली इंटरनेशनल केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 FCI
संगीता में प्रथम स्थान प्राप्त सुश्री संध्या कक्षा श्री शक्तिदेव मिश्रा ने से संबंधित विधान परिषद और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष उनका स्वागत करता हूं। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण उनका स्वागत, डॉक्टर विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव उनका स्वागत, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा उनका स्वागत, श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष उनका स्वागत, श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर अध्यक्ष उनका स्वागत, और डेफिनेटली श्री बहुत चीज़ों के लिए पूरे प्रदेश में जाता है। वैसे श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति व धर्मार्थ कार्य विभाग, आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं मेश्राम जी, आपका स्वागत है। श्री प्रखर मिश्रा जी निदेशक पर्यटन उनका स्वागत। तो बच्चों आप लोग आए हैं भांत भांत के स्कूल से आए हैं, ऊपर देख रहा हूँ नीचे सब लोग, आप लोग भविष्य हो इस देश का। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच जो रही है कि कैसे स्थल को बढ़ाया जाए, कैसे टूरिज्म को बढ़ाया जाए, पूज्य महाराज जी ने उसी दिशा निर्देश को, उसी आदेश को, उसी पद चिन्हों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश में एक नज़ीर पेश किया, और वो किसी से छिपा नहीं। आज मैं जब छोटा था तो मुझे पता नहीं था स्विट्ज़रलैंड कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड के बारे में जानता भी नहीं था, बहुत छोटा सा एक देश है स्विस, स्विट्ज़रलैंड लंदन से थोड़ा आगे। जब यश चोपड़ा की फिल्में आने लगी तो मुझे पता चला कि स्विट्ज़रलैंड इतना सुंदर है, वहाँ बर्फ़ है, वहाँ गुलाब के फूल के ऐसा बगान है, सॉन्ग्स में देखता था, पर आया गया यहाँ सारे होटल्स बुक हैं, छोटे बड़े सब होटल बुक हैं, तो ये रोज़गार का बहुत बड़ा जरिया बनता है पर्यटन। अब हमारे धार्मिक चीज़ें गोरखनाथ मंदिर सब लोग जाते ही, वैसे अब अयोध्या राम मंदिर बनेगा, बाबा विश्वनाथ का मंदिर बन गया, तो लोग गोवा से ज़्यादा लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट बाबा विश्वनाथ में गए, और बच्चे गए एनआरआई सब लोग आ रहे हैं, अब सब लोग गोवा नहीं जाते बाबा विश्वनाथ जा रहे हैं। धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है, संस्कृति के प्रति अपने इतिहास के प्रति, इतना सुंदर है, 6 लेन है, 4 लेन है, रिंग रोड बन रहा है, फर्टिलाइजर है, एम्स है, अनगिनत कुसुमी जंगल है, बुढ़िया माता का मंदिर है, वहाँ पे महाराज जी ने सड़क दे दी, वहाँ पे बिजली व्यवस्था, होटल अभी 5 स्टार होटल की यहाँ पे लाइन लग रही है लगातार, अभी मैरिट हो गया, अभी ताज का काम शुरू होगा, अभी 100 रूम्स का ये क्रूज शुरू हो जाएगा, वहाँ रमाडा बन गया है, अनगिनत और होटल्स आ रहे हैं, वहाँ गीडा इंडस्ट्रियल एरिया है, सो टूरिज्म 14 एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, तो सब लोगों को आना आसानी होगी, 1 लाख लोग रोज ट्रेन से आवागमन कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन अब अभी ऐतिहासिक हो जाएगा। तो गोरखपुर में आज हम कहीं गए थे कुछ इनॉग्रेशन में, सब कैलकटा के लोग आए थे, सब रिच जेंट्री थे, एजुकेटेड लोग थे, हमसे बोल रहे थे गोरखपुर इज बिकम सो ब्यूटिफुल नाउ, सो क्लीन सिटी। तो ये सारी चीज़ें पर्यटन, आज महाराज जी ने सुबह में कुछ बच्चों के स्कूल का बहुत सारी बसों को 10 बस भेजी जो कुशीनगर के लिए टूरिज्म में गए, कि यू मस्ट नो योर हिस्ट्री, आप लोगों का आपको इतिहास जानना बहुत ज़रूरी, कि आपकी जड़ें क्या हैं, आपके भगवान कौन थे, आपकी संस्कृति क्या, आप लोग सनातनी विचारधारा के हो तो आपका इतिहास क्या, आपके इतिहासकार क्या थे, भारत की जड़ें क्या थी, भारत कितने सालों से था, भारत कितने वैदिक मंत्रों के साथ गया था, चंद्रयान पे जाने के लिए भी वैदिक मंत्रों का इस्तेमाल सोमनाथ जी जो इसरो के हेड थे उन्होंने कहा कि इट्स ऑलरेडी मेंशन इन वैदिक शास्त्र कि कहाँ पर चंद्रमा की दूरी होगी, कहाँ सूर्य की दूरी होगी, वो सारी हनुमान चालीसा में भी है। पर्यटन दिवस पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण,
श्री बिपिन सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश मिश्राम जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी महानुभाव और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को विश्व पर्यटन दिवस के हृदय से बधाई देता हूं। पर्यटन हम सबके जीवन में एक नया परिवर्तन करता है, एक नया माहौल हम सबको देता है। मिला वे किसी होटल में, धर्मशाला में रुके होंगे, वहां का रोजगार वहां का भी बढ़ा। किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने भोजन भी लिया होगा, कहीं फोटोग्राफी कराई होगी, कहीं सामान खरीदा होगा, मौका विहार किया होगा, धार्मिक स्थलों पर पैसा भी चढ़ाया होगा, फूल पत्ती खरीदी होगी, प्रसाद खरीदा होगा। यानी कितने लोगों की आजीविका जुड़ी हुई उसके साथ, लाखों लोग उसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए और फिर उनकी आजीविका चली है। यह उत्तर प्रदेश की एक धनी इको, यानी एक धनी स्पिरिचुअल टूरिज्म की पृष्ठभूमि हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। काशी विश्वनाथ धाम में अकेले सावन के महीने में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में आया और काशी में आकर के बाबा विश्वनाथ के धाम का दर्शन किया। अनुमान कर सकते हैं पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते थे, लेकिन जब धाम बना, वहां पर्यटन की सुविधाएं बढ़ी, लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं आई, आसानी से दर्शन हो सकता है, लोगों के सामने संदेश गया, तो पूरा देश और पूरी दुनिया काशी के लिए उमड़ पड़ती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। पहले असुविधा थी, आज सुविधा है, तो पूरा देश और पूरी दुनिया अयोध्या के लिए दर्शन करने के लिए टूट पड़ती है। पहले मथुरा वृंदावन में लोग जाते थे, परेशानी होती थी, आज बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, क्योंकि आज सुविधाएं बढ़ी हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं, दर्शन करने में उतनी दिक्कत नहीं है जितनी पहले थी, तो लोग आसानी से दर्शन कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर गए होंगे, पहले कंजेशन था, आज वहां कॉरिडोर बन रहा है, आज सुविधा बढ़ चुकी है, पहले की तुलना में कई गुना लोग वहां पर आए हैं। फिर पिया वहीं फेंक दिया, सड़क पर फेंक दिया। अब तो अगर 10,000 लोग आएंगे, 10,000 बोतलें, 10,000 डिब्बे किसी सड़क पर पड़े रहेंगे, क्या वह सड़क और वह क्षेत्र सुंदर रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा, कितना गंदा दिखेगा। कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, बोलेगा भाई कैसे गंदे लोग हैं जी, आपके बारे में पहली टिप्पणी बाहर से आने वाले व्यक्ति की क्या होगी? देखिए साहब, कितने गंदे लोग हैं, कितनी मेहनत करो और उस सब के बावजूद कुछ लोग आकर के गंदा कर देंगे, हमारा दायित्व तो होता है नहीं, हम गंदा नहीं करेंगे, और अगर करेंगे नहीं तो कराने भी नहीं देंगे, किसी को करने भी नहीं देंगे। कोई व्यक्ति प्लास्टिक बैन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आदतन प्लास्टिक के पॉलीथीन पर, प्लास्टिक के ही बैग में जबरदस्ती सामान लेकर के चलते हैं और फिर उपयोग किया, फिर उसको फेंक दिया, हवा का एक झोंका चलता हो प्लास्टिक यहां से वहां उड़ गया, फिर वहां से झोंका चला हो फिर यहां आ गया, और फिर सड़क को कूड़ा के ढेर में बदल देता है। गाय खाएगी बीमार हो जाएगी,
नाली में गिरेगा, नाली के पानी को ब्लॉक कर देगी, और जब पानी ब्लॉक होगा तो डेंगू भी होगा, इंसेफ्लाइटिस भी होगा, मलेरिया होगा, चिकनगुनिया होगा, तमाम प्रकार की बीमारियां भी होंगी। हमें इन सबसे मुक्त रहना पड़ेगा, स्वच्छता के प्रति जागरूक होना होगा, और जागरूक होने के साथ साथ हमें इन चीजों के बारे में भी ध्यान रखना होगा कि हमें स्वच्छ बनाए रखना भी है, अपने स्तर तो रखना ही रखना है, दूसरे को भी गंदा नहीं करने देना है। अगर हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपके यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। तीसरा, पर्यटन की इन संभावनाओं के साथ ग्रीन इन्वेस्टमेंट की जब बात हो रही है, हमें सोचना चाहिए क्या जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वहां के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए निजी ऑपरेटर को इसके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम तो इस बात को तय करें, कोई भी पर्यटन स्थल, मंदिर है, कोई बड़ा धाम है, अच्छा कोई स्पॉट है, कि वहां केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे, डीजल और पेट्रोल से चलने वाला कोई भी वाहन नहीं चलेगा, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक बसेज, इसी को प्रोत्साहित करेंगे। लोगों को एक बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा वहां पर, अपने आप एक आध्यात्मिक वातावरण मिलेगा, एक सकारात्मक वातावरण मिलेगा। क्या हम ये व्यवस्था दे सकते हैं कि कनेक्टिविटी को भी हम ग्रीन व्यवस्था के साथ जोड़ें, लेकिन साथ साथ वहां के अंदर भी हम लोगों का प्रयास होना चाहिए, पर्यटन स्थल के अंदर भी हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि उस पर्यटन स्थल को हम इस ढंग से डेवलप करें कि डीजल के सेट वहां उपयोग ना बनाए लगाने पाए, जनरेटर भी न चले, सोलर लाइट की व्यवस्था करें, कोई ऐसी व्यवस्था करें जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से उस क्षेत्र के इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था को पूरा कर सकते हो, और वहां से फिर हम व्यवस्था को अगर आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके चेंज आएगा। लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, इसके स्टेक होल्डर्स को ढूंढना, उस फील्ड में नए नए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना, और लोकल यूथ को गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना, स्थानीय भाषा में साइनेजेस लगाना, जैसे यहां पर हिंदी में भी लग सकता है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसके अलावा और कौन भाषा है, कहां के लोग ज्यादा आते हैं उसकी मैपिंग करना, कहां के लोग आएंगे वही भी दिखाई देंगे। कुछ चीजें हैं जिस पर कार्य हुआ था लेकिन उसको बहुत आगे बढ़ा नहीं पाए, जैसे मंदिरों में लोग पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाने के बाद स्वाभाविक रूप से पुष्प की एक आयु होती है, 12 घंटे 14 घंटे 24 घंटे के बाद वो खराब हो जाते हैं, उनको उठा के फिर फेंक दिया जाता है। एक तो भगवान को अर्पित की गई चीज फेंकना पड़ता है, क्या हम उसका कोई उपयोग कर सकते हैं, उससे अगरबत्ती बन सकती है, उससे इत्र बन सकता है, उससे धूप बन सकती है, और बाकी जो थोड़ा वेस्ट बचेगा वो कंपोस्ट में आ जाएगा, कम से कम सड़क पे तो वेस्ट नहीं जाएगा, सड़क को भी गंदा भी नहीं करेगा, और साथ साथ आस्था का भी अपमान नहीं होगा। हमें एक सिस्टम के साथ उसको जोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। लोगों को इसमें भी रोजगार सृजित हो सकता है, बहुत सारे लोगों को कि गोरखपुर से जुड़े हुए या किसी भी स्थल से जुड़े हुए, सभी मंदिरों के, सभी धर्मस्थलों के, जहां जहां पुष्प चढ़ते हैं सभी पुष्प को एक जगह एकत्र करवाना, और फिर उसको हम एक सिस्टम के साथ जोड़ दें, बहुत सारे लोगों को उससे रोजगार मिल सकता है, सफाई भी रहेगी और साथ साथ आपको रोजगार के भी सृजन की नई संभावनाओं को विकसित किया जा सकता है। और गोरखपुर में तो इस दिशा से टूरिज्म की दिशा से दोनों तीनों प्रकार की टूरिज्म, भारत की ज्ञान की प्राचीन परंपरा के साथ जोड़ने के लिए गीता प्रेस आपके पास है,
धार्मिक दृष्टि से गोरखनाथ मंदिर है, इको टूरिज्म की दृष्टि से अगर आप आएंगे रामगढ़ ताल, इतना अच्छा ताल आपके पास है, आपको हेरिटेज टूरिज्म के साथ जोड़ना है तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को यही गोरखपुर में फांसी दी गई थी, गोरखपुर जेल में जाकर के देखे उनके स्मारक को, या लाल डिग्गी में जहां पर उनका क्लश आज भी स्थापित है वहां पर जाकर के देखिए, या गोरखपुर के उन क्षेत्रों में जहां पर 1857 के महान क्रांतिकारी वीर बंधु सिंह को फांसी दी गई थी आर्य नगर में, उस स्थल पर जाकर के हम देखें, उसका अवलोकन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय आपके आगमन।